लोग अच्छे ही होंगे और लॉकडाउन में और क्या कर सकते हैं, सब अच्छे ही रहिए और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल देखकर देख ही लिया होगा, मतलब पढ़ लिया होगा कि उसमें मैं क्या बताने वाली हूँ। और आपके साथ एक मिनट, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग नेचुरल ब्लीच चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप लोग मार्केट वाली जो ब्लीच होती है वो यूज़ करते हो ना फ्रेंड्स, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, आपकी स्किन पर रैसेज वगैरह, आपकी स्किन को मतलब डल कर सकता है, आपकी स्किन पर हार्मफुल, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के होते हैं ना, बहुत किसी किसी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो रेडनेस आ जाती है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दाने आ जाते हैं। तो ये जो मैं ब्लीच बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी है और इसमें ना आप अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ तो आप उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत ही कम अमाउंट में ये बन जाता है, फ्री और कॉस्ट है, क्योंकि सब जो भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की है सारी घर में ही अवेलेबल हैं, आपके पास होंगी ही, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि घर में ये सारी चीज़ें होती ही हैं। अगर आप DIY यूज़ करते हो तो डेफिनेटली होती हैं। तो ये जो भी है आपकी स्किन को बिल्कुल डल नहीं बनाएगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन में अगर दाग धब्बे हैं वो दूर करेगा, अगर आपकी टैनिंग हो रखी है तो वो भी रिमूव कर देगा, अगर आपके फेस पर हेयर है तो वो भी धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। और मैंने उसमें रोज़ वाटर ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसमें जो आलम होता है, एलम का जो पानी है जो मैंने बताया था आपको उस तरह से, आप वो यूज़ कर सकते हो तो आपके हेयर की ग्रोथ भी बहुत कम हो जाएगी। तो आप इस तरह से DIY जब भी बनाती हूँ ना तो इस तरह से कुछ अपने तरफ से भी कुछ ऐड करके आप यूज़ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, और इससे कोई भी हार्मफुल रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप इसको डेली में भी लगा सकते हो, अगर आप चाहें तो एक दो दिन गैप करके भी लगा सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। और ये इतने अच्छे से आपको इतना अच्छा क्लियर कर देता है स्किन को कि आप खुद देखोगे कि आप मेरे कहने पर मत जाइए, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। अगर मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, सारी चीज़ें मैं देखती हूँ तब जाके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हो, तो आप वहाँ पर जब सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। जो जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं सारी चीज़ें आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने वाली है। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बताने जा रही हूँ ये है, मैं ब्लीच करने जा रही हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ ये, क्योंकि मैं कुछ दिनों से यही वाली ब्लीच यूज़ कर रही हूँ। ये है बिल्कुल नेचुरल ब्लीच है, ये DIY ब्लीच, और मैंने लिया है ये पोटैटो का जूस, और ये मैंने मीडियम साइज़ का एक पोटैटो लिया था और मैंने उसका ही जूस ले लिया। आपको इसी तरह का गाढ़ा सा ये जो स्टार्च होता है ना इसके साथ ही आपको ये ले लेना है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको और क्या लेना है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें लेमन, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप लेमन यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें ना शहद यूज़ कीजिए, मैंने शहद ही यूज़ करना है। तो मैं इसमें हनी यूज़ कर रही हूँ, तो ये है डाबर का हनी, तो मैं इसमें हाफ स्पून के करीब हनी ऐड कर लिया है। और इसके बाद थोड़ा सा मैं रोज़ वाटर इसमें ऐड कर लूँगी, रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी स्किन को इससे ना ठंडक भी मिलेगी और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, हाफ स्पून के करीब ही डाला है और बस 3 ही इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी होते हैं। और आपको 15 मिनट के लिए फेस पर इसको लगा कर रखना है, और देखिए ये कितने अच्छे से, और जो मैंने बताया है ना तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, डैमेज हो गई है, अगर आपको वो वाली जो ब्लीच आती है मार्केट में वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब उससे बहुत ज़्यादा आपका फेस बिल्कुल रेड रेड हो जाता है, आपको वो सूट नहीं करती है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्किन बहुत ही अच्छे हो जाएगी इससे। और आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो, हफ्ते में 2 से 3 बार इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये नेचुरल है, इसमें आपके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसको आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। चाहे आप इसको बनाकर मत बिल्कुल भी मत रखिए, जैसे ही आप कब जब भी आपको लगाने हो ना तो आप इसको तुरंत बनाइए और तुरंत से इसको लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा ये काम करता है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, मैं इसको किस तरह से लगाती हूँ आपको दिखाती हूँ।
कॉटन से लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। बस आपको एक कॉटन का बॉल ले लेना है, कॉटन बॉल ले लीजिए या फिर आपके पास जैसा भी है वो ले लीजिए। और आप इसको थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा ले रही हूँ, और बस इसमें इस तरह से डिप करूँगी और अपने फेस पर इसको अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। फिर ये बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं रहता है, इस वजह से मैं अपने फिंगर से ही इसको अप्लाई कर रही थी। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इस वजह से मैं हाथ से ही लगाना प्रेफर करती हूँ। ये देखिए, अब अगर आप इस तरह से लगाओगे बहुत ज़्यादा तो फिर ये ऐसा रहता है, तो ऐसे आप कर सकते हो, जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ, तो जो आपको पसंद आए आप वैसा कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस एकदम ड्राई हो गया है, मैं अब इसको वॉश करने जा रही हूँ। तो निकालना कैसे है, इस तरह से हल्के हाथों से पहले आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए, हाथों को वेट कर लीजिएगा, और फिर उसको इस तरह से रब करके ही निकालिएगा, क्योंकि जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सारी इससे, आपके जितने भी हेयर होंगे वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे, और आपके जितने हेयर बचे होंगे वो आपके स्किन पर जैसे कलर स्किन का है उस कलर के आपके हेयर हो जाएंगे, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा ब्राइट कलर होता है ना वो आ जाएगा, ब्राइटन हो जाएगी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो ऐड हो जाएगा। आप देखिएगा, खुद आप यूज़ करते रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा, और मैं ये खुद नहीं कह रही हूँ, जब आप यूज़ करोगे तो खुद पता चल जाएगा। तो चलिए मैं वॉश कर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा फेस कितना, स्किन कितनी अच्छी दिख रही है ना, तो ऐसे ही दिखने वाली है आपकी भी स्किन अगर आप इसको यूज़ करते रहते हो। तो मैं अभी टॉवल से बिल्कुल भी मैं इसको ड्राई नहीं करूँगी, बिल्कुल भी पैड ड्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही अपने आप ही सूखने दूँगी, क्योंकि क्या होता है समर में ना, अपने आप से ही ड्राई होने दीजिए स्किन, बिल्कुल भी आप उस पर तौलिया बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, टॉवल को आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो अभी ये ड्राई हो जाएगा, फिर मिलती हूँ आपसे। तो देख लिया है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है और किस तरह से आपको यूज़ करना है, तो डेफिनेटली आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने अपना लिपस्टिक देखा था तो वो है, तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको मेरे कहने पर मत जाइए, आप एक बार गूगल पर सर्च करके ज़रूर देख सकते हो। मैं कोई भी चीज़ें बताती हूँ ना तो आप लोगों को, आपको यकीन नहीं होता तो प्लीज़ यकीन कीजिए, मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊँगी सजेस्ट करूँगी, चाहे वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, आपसे आपकी बॉडी में इंटेक करने वाली चीज़ें हो, जो पीने वाली चीज़ें होती वो भी, आप जो भी मैं सर्च करती हूँ वो तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और तभी मैं वीडियो आपके पास लेकर आती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर मुझे अच्छा फील होगा, अच्छे रिजल्ट मिलेगा, तो आपके साथ मुझे शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर्स हो इस वजह से। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर भी कर सकते हो फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, तो उसको भी हिट कर दीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का, और आप चेकआउट कर सकते हो, आपसे मिस नहीं होगा मेरा वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और हाँ, अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और आप लोग अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप, मैं सर्च करती रहती हूँ, आप लोग भी सर्च करते रहिए गूगल पर, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो डेफिनेटली ट्राई करिए और टेस्ट करिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, बाय।